नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गोब्लॉक्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गोब्लॉक्स। बहुत सुंदर हथेली हमारी पास आई हुई है, बहुत सुंदर पाम है। इस पाम को एक नज़र करते हैं तो देखिएगा ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है। देखिएगा शुक्र ग्रह जो अंगूठे के नीचे होता है और जुपिटर माउंट जो तर्जनी के नीचे होता है, इन दोनों ग्रहों को धन का ग्रह माना गया है। शुक्र इस तरह से पुष्ट और सुंदर होते हैं, दिव्य रूप में होते हैं, तो जीवन काल में व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी रहती है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व रहता है, उसमें लगातार निखार होता है। सुंदर व्यक्तित्व के धनी ऐसे लोग रहते हैं और जीवन काल में भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत अच्छी ऐसे लोगों को मिलती है। और देखिएगा अंगूठे के नीचे का ये भाग, इसको हम शुक्र कहते हैं, शुक्र पर्वत कहते हैं। ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण पैदा करता है, सौंदर्य पैदा करता है, वासना और प्रेम के महत्व को भी दिखाता है। इस तरह से सुंदर शुक्र का पर्वत हो, अच्छे रूप में इस तरह से हो, तो कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। जैसे आपकी हथेली में उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, सुंदर और पुष्ट रूप में दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप भी तेजस्वी होंगे, चेहरा से भी आप बहुत अच्छे होंगे, आपका व्यक्तित्व बहुत सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर निश्चित रूप से विद्यमान होगा। हर तरह की परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये निश्चित है। दूसरी बात, ऐसे लोग जिनका शुक्र का पर्वत इस तरह से सुंदर और पुष्ट और दिव्य अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में हो, शुक्र इस तरह से हो, हर कार्य को औरों के बजाय बहुत नाजुकता से और बहुत खूबसूरती के साथ ऐसे लोग करते हैं, थोड़ा दयालु होते हैं, उदार दिल वाले होते हैं, कभी कभी खुले दिल से खर्च ऐसे लोग कर लेते हैं। आपकी हथेली में सुंदर शुक्र है, बेहतर शुक्र है, आपके पास निश्चित तौर पे ग्लैमर रहेगा, चमक होगी, नाम यश होगा, चकाचौंध रहेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को निखार करके रहेंगे, अपने व्यक्तित्व को धनी व्यक्तित्व बना के रहेंगे। क्यों? जो ये टेंडेंसी है, ये शुक्र पैदा करता है और शुक्र ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। साथ साथ में आपको परिवार का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता रहेगा और जिस तरह से जीवन की रेखा है इस तरह से पीछे जा रही है, बहुत सुंदर अवस्था में, निश्चित रूप से आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे, बहुत केयर करने वाले लोगों में से एक है। यहाँ से इस तरह से एक रेखा ब्रांच ले रखी है, केतु की ओर जा रही है, निश्चित रूप से आपको अपने जीवन काल में या तो लंबी यात्रा का मौका मिल गया होगा या अब मिलेगा। दूसरी बात, ये चिन्ह ये भी बताता है कि आपको अपने जीवन काल में पैतृक संपत्ति का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे कोई देना चाहे न देना चाहे, कोई अड़चन आ जाए तो भी अपने जीवन में आपको अचल संपत्ति का लाभ निश्चित रूप से, पैतृक संपत्ति का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। अब ये परिवार को दिखाता है लेकिन उसके सुख को दिखाता है कि परिवार का सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, ये नहीं दिखाता है कि आपके बच्चे का करियर क्या होगा, कब उसका करियर शुरू होगा, उसकी शिक्षा दीक्षा क्या होगी, या ये भी नहीं दिखाता है कि उसकी शादी कब होगी, क्या होगी, उसके लिए उसी जातक का हाथ देख करके पता किया जा सकता है।
आपकी हथेली में केवल ग्रहों की दशा से ये दिखाता है कि आपको परिवार का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपकी हथेली में जिस तरह से शुक्र बैठे हुए हैं ये इसी बात को यहाँ पे इंगित कर रहे हैं। वर्टिकल लाइनें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस काम को हाथ में ले लेते हैं जब तक उस काम को पूरा नहीं करते हैं तब तक जो है विश्राम नहीं लेते हैं, ये निश्चित आपकी हथेली में है। यहाँ पे देखा जाए तो लग्जरी की तरफ भी लाइफ जो है अट्रैक्शन बता रही है कि लग्जरी की तरफ भी अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं बहुत सारी मात्रा में दिखाई दे रही हैं। किसी न किसी विषय को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और थोड़ा सा मानसिक परेशानी भी शुक्र यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से शुक्र यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर अवस्था में है तो कहीं ना कहीं जो है अगर ये आपको भौतिक विकार अगर दे रहा है, शारीरिक विकार अगर दे रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं इसका आपको उपाय भेजूँगा। वैसे इसका उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है उसको अगर योगासन मुद्रा में बैठकर कर लें और रोज़ जो है एक हफ्ते दो हफ्ते तीन महीने तक अगर करें तो निश्चित रूप से ये थोड़ी सी हल्की सी इसका दोष है ये उतर जाएगा। आपकी दृष्टि में अभी आप कितना भी मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, आपकी दृष्टि के अनुसार हल्का जो है कमी यहाँ पे दिखाई दे रही, जबकि है नहीं। वहीं मैंने बात की थी आपके जो है धन के ग्रह, ये विलासिता का ग्रह है, ये विलासिता देता है, लग्जरी जीवन में देता है, इसके बारे में बता दिया। अब देखो आपका जो बृहस्पति है कहीं ना कहीं उसका झुकाव जो है शनि की तरफ है और शनि यहाँ पे थोड़ा बैठा हुआ है, हल्के रूप में आपको पारिवारिक समस्याओं का भी सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा, थोड़ा सा सावधान रहें। और शनि थोड़ा इस रूप में बैठ जाता है, थोड़ा गहरा हो जाता है तो व्यक्ति नौकरी के मामले में थोड़ा मानसिक दबाव का, मानसिक परेशानी का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, किसी न किसी रूप में अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। लेकिन कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या नौकरी जाने वाली प्रॉब्लम या प्रमोशन रुकने वाली प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, ये निश्चित है। हाँ थोड़ा सा मानसिक दबाव बना रहेगा। बृहस्पति इस तरह से सुंदर और पुष्ट होते हैं, ये जगह उभरी हुई दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से आर्थिक मामलों में आप सौभाग्यशाली रहेंगे, आर्थिक मामलों में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है वर्तमान समय में। धन का ग्रह आचार्य बृहस्पति सुंदर और पुष्टता लिए हुए हैं, ये जगह उभरी हुई दिखाई दे रही है। आप श्रेष्ठ व्यक्तित्वों में से एक व्यक्ति हैं, स्वयं उन्नति तो करते हैं लेकिन जो आपसे जुड़ता है मन से आपके संसर्ग में आता है उसे भी आप उन्नति करने में सहायता निश्चित ही प्रदान करते हैं। आप सहयोगी की तरह काम करते हैं, स्वाभिमानी जरूर हैं, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा जो है नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं, अपनी बातों का ज़्यादातर निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं और परोपकार की भावना भी आपके अंदर निहित है और धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में यहाँ पे देखी जा रही है। और देखिएगा आचार्य बृहस्पति इस तरह से सुंदर और पुष्टता लिए हुए होते हैं तो व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ, प्रतिष्ठा मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, आपका बृहस्पति ये कह रहा है। और देखिएगा बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो तो समस्याएं तो जीवन में आती हैं लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो या प्रबंधन के क्षेत्र में हो तो इन क्षेत्रों में आपको आगे भी अच्छी कामयाबी मिलेगी, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, जीवन रेखा पे जो ये चिन्ह बन रहा है इस बात का भी द्योतक है कि
आने वाले समय में ओल्ड एज में आपको अपने कमाए हुए पैसों से अच्छे खासे धन की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। आपका अगर हम मंगल का क्षेत्र देखें तो मंगल का क्षेत्र आपका बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ है, पराक्रम थोड़ा ज़्यादा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव तो बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है थोड़ा गुस्सैलपन भी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ऐसे लोगों पे गुस्सा आता है तो मन क्षण भंगुर हो जाता है, गुस्से में जो है ये लोग काबू नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा जो है मंगल का उपाय दूंगा, उसको करने की आप कोशिश करें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है, यहाँ पे देखोगे आपकी एक मंगल की रेखा दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा है। ऐसे में आपको दूसरों का सहयोग जीवन काल में अच्छा मिलेगा और ईश्वर की जो कृपा है आपके ऊपर बहुत अच्छी जो है बनी हुई है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सोचने और समझने की शक्ति भी आप में विशेष रूप से मौजूद है और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। निश्चित रूप से आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आ रहा है। और देखिएगा, अगर ये रेखा इस तरह से होती है और यहाँ से जो है रेखाएं जो जा रही है जीवन रेखा को काट नहीं रही है, केवल नीचे की जीवन रेखा पे मिल रही है और ये वर्ग का चिन्ह मंगल के क्षेत्र पे बनाता हुआ नजर आ रहा है। और देखिएगा, जब भी मंगल के क्षेत्र पे एक से अधिक वर्ग हो तो व्यक्ति को अपनी जीवन काल में एक से ज़्यादा अचल संपत्तियों का लाभ मिलता है। ये बहुत सुंदर स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, अच्छी स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले समय में आप देखोगे आपकी एक रेखा इस तरह से कहीं ना कहीं आभासी हो रही है, चंद्र क्षेत्र से निकल करके सूर्य क्षेत्र पे जा रही है, दूसरों के सहयोग से भाग्योन्नति यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है बुध की तरफ, ये बहुत सुंदर रेखा है। जीवन की रेखा से निकलकर अगर बुध की रेखा पे कोई रेखा चली जाती है तो व्यापार के गुणों में वृद्धि करती है। और जिस तरह से इस रेखा का आभास हो रहा है, ये रेखा तकरीबन 3.5 से 5 सालों के बीच में प्रबल रूप ले लेगी और उस समय आपको व्यापार की तरफ ये धकेलेगी और व्यापार में अच्छा खासा लाभ दिलाएगी, ये निश्चित है। बहुत सुंदर है, जैसे जैसे प्रबल होगी, सुंदर होगी, आपके जीवन में सुख और समृद्धि में निश्चित तौर पे वृद्धि होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, ये बहुत अच्छा है। और जिस रेखा की बात कर रहा था ये है वो रेखा, दूसरों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है जीवन में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, देखिएगा जीवन की रेखा से निकल कर एक रेखा इधर तो जा रही है, भाग्य रेखा आपकी इस तरह से मुड़ी हुई निकल रही है। थोड़ा जीवन काल में एक चीज़ का ध्यान रखें, गलत निर्णय न लें, ये इसका विशेष ध्यान रखें कि मंगल के कारण कभी गुस्सापन में हो या जल्दबाजी में हो अगर कोई निर्णय ले लेते हैं तो अपने विकास को अवरुद्ध कर लेंगे, इस ये रेखा निश्चित तौर पे ये बता रही है। दूसरा, ये केतु का क्षेत्र यहाँ पे माना गया, ये थोड़ा उठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आर्थिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। और कब आर्थिक समस्याओं का सामना, या तो वर्तमान में आप कर रहे हैं या तो 3 वर्षों के बाद 1 या 1.5 वर्ष तक आपको कहीं ना कहीं जो है आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा मैं राहु का उपाय दूंगा, जब तक ये प्रबल होता है तब तक इसका निदान कर देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं राहु का विशेष उपाय आपको दूंगा, साथ में मंगल का और शनि का उपाय भी बहुत ज़रूरी है आपको करना। दूसरी, अगर हम यहाँ पे बात देखते हैं तो देखिएगा आपका जो शनि का क्षेत्र है वो वैसे अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मानसिक दबाव ये रख सकता है और पारिवारिक समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है।
यहाँ पे देखोगे एक इस तरह का सुंदर सा मछली जैसा चिन्ह बना हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा नहीं बना है लेकिन बनता नजर आ रहा है। और ये अच्छा भी है, बृहस्पति भी इससे युक्ति बना रहा है। तो व्यक्ति जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है कोई खोज करता है या रहस्यमय विद्याओं की ओर आकर्षित ज़्यादा होता है, दार्शनिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। लेकिन इस चिन्ह का मतलब ये भी है कि ऐसे लोगों को, इनके विरोधियों को हराना बहुत मुश्किल होता है। ये बड़ा अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी है। और इनकी भक्ति जो है थोड़ा अलग हटके होती है, वैज्ञानिक तरीके वाली। दूसरी अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी जो ये रिंग फिंगर है इंडेक्स फिंगर से हल्की बड़ी दिखाई दे रही है, सूर्य के गुण ज़्यादा आ रहे हैं, नीम और फेम पाने की इच्छा यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। किसी न किसी तरह से नीम और फेम मिले, किसी न किसी हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा है, रिस्क लेने की क्षमता अभी भी जो है बहुत अच्छी बनी हुई है। और साथ में पर्सनैलिटी शुक्र के कारण ऐसी है कि व्यक्ति जो है कई लोगों में से अलग सा दिखता है, बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ है तो थोड़ा व्यक्ति गंभीर किस्म का होता है। यहाँ पे एक यश चिन्ह जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी अच्छा है। जैसे ही सूर्य जो है अपने पुष्ट रूप में आते हैं, सुंदर रूप में आते हैं, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें प्रसिद्धि निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है। सूर्य जब कमज़ोर स्थिति में होता है तो चाहे आप नौकरी करो चाहे व्यवसाय करो, उस हिसाब से विस्तार नहीं मिल पाता है। जितनी आपके अंदर क्वालिटी है, योग्यता है, उस रूप से व्यक्ति को वो चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, उतना श्रेय उतना क्रेडिट नहीं मिल पाता है। और इसको सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है सूर्य को पुष्ट करना, बहुत अधिक सरल है सूर्य को पुष्ट करना। लिख करके विधिवत तरीके से उपाय दूंगा, थोड़ा सा जीवनचर्या बदल दीजिएगा, निश्चित रूप से ये ग्रह आपको बहुत आगे चमका देगा और एक प्रसिद्धि आपको दिला देगा। दूसरी अगर हम बात करें, मरकरी थोड़ा छोटी है लेकिन आपने नाखून बढ़ा रखा है तो इसके महत्व में कोई कमी नहीं आती, जबकि इसका महत्व बढ़ जाता है। ये आपको जिस तरह से उंगली है, जिस तरह से आपने नाखून बढ़ा रखा है, उस हिसाब से निश्चित रूप से व्यापार की और नौकरी के बाद आपको ले जाएगा। और व्यापार में आपकी जो उंगली में इस तरह से ऊपर की ओर रेखाएं चल रही हैं, व्यवहार कुशलता आपको देगा, प्रस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व आपको देगा और वाणी की शक्ति को बहुत तीव्र रखेगा, बहुत सुंदर रखेगा और सोचने समझने की शक्ति में भी बढ़ावा देगा, देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मरकरी का माउंट देखें तो इसमें बहुत अच्छा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। योजना बना करके चलने वाले व्यक्तियों में से एक है। हर परिस्थितियों को, हर प्रकार की स्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्तियों में से एक है। जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। और आपकी हथेली में बुध का पर्वत अगर हम कहें सही रूप से, अच्छी रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। निश्चित तौर से आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता आप प्राप्त करेंगे आने वाले समय में। कम्युनिकेशन स्किल्स सुंदर रहेगी, वाणी की शक्ति मधुर रहेगी, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने में माहिरता हासिल होगी। 3.5 वर्ष के बाद या 5 वर्ष के अंदर आप जो व्यापार करेंगे उसमें अच्छा खासा लाभ होने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम बात करें, आपका मंगल का क्षेत्र भी यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, पुष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका चंद्र क्षेत्र को देखें तो चंद्र क्षेत्र बहुत सुंदर है, आप भी, आपका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर होगा, कल्पना शक्ति भी आपकी बहुत तीव्र होगी, बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा।
मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ आपका चंद्र दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में यदि समस्या आ भी जाए किसी कारण तो मन टूटेगा नहीं, मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत हो, सुंदर हो, मजबूत हो तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया रहेगा। चंद्रमा अच्छा होता है तो जातक क्रिएटिव होता है। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतर है, चंद्रमा आपकी हथेली में मजबूत है। जीवन में सकारात्मक सोच के साथ साथ महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। उम्मीद है आपको आपकी हथेली में आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। साथ में उपाय भेज रहा हूँ, उपायों को करने की आप कोशिश करें। और बहुत लक्की हथेली आपकी है, थोड़ा सा राहु का प्रभाव, थोड़ा सा शनि का प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा जो है अग्रेसिव जो हो जाते हैं वो मंगल का प्रभाव दिखाई दे रहा है। इन तीनों का और हल्के रूप में सूर्य का भी मैं उपाय भेज रहा हूँ। यदि आप उसको करते हैं तो जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं आपके जीवन में इन तीन ग्रहों को छोड़ के उन निकल जाएंगी, उनका सॉल्व जल्दी हो जाएगा। और उपाय करने पे इन तीनों का भी जो है जो दुष्प्रभाव जीवन में पड़ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।